ओके बेटा, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अब पढ़ रहे थे टॉपिक, चैप्टर पढ़ रहे थे अब्सॉर्प्शन बाय रूट, और उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो एक छोटा सा समरी मैं आपको बता दूं, उसके आगे से मैं शुरू करूंगा। हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट में बता चुके हैं कि प्लांट बेसिकली टू सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। और ये बेटा हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी वाटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है प्लांट में, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। पहला हेडिंग जो मैंने बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस आर फर्स्ट हेडिंग। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में वाटर जो होता है एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। CO2 और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं, आगे जा करके ग्लूकोज बनाते हैं, तो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो जाता है वहां पर जा करके। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, ज्यादातर ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंस बताऊं ट्रांसपिरेशन की, तो पहला चीज ये है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सेस वाटर अपने साथ निकलता है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर ले जाता है, और उसके साथ साथ जब पुराना वाटर बाहर निकलेगा तो न्यू वाटर वहां से राइज करेगा। तो टाइम मिलेगा, प्लांट को एक मौका मिलेगा कि न्यू वाटर और न्यू मिनरल्स के साथ उसको अंदर एंटर करा सके। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बेटा, क्योंकि वाटर एक मूविंग फ्लूइड है प्लांट के अंदर का, तो प्लांट के अंदर जब वाटर मूव करता है तो उसकी वजह से मिनरल्स एंड फूड भी प्लांट के अंदर मूव करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझे? और उसके साथ साथ इस मटेरियल की वजह से प्लांट में एक स्टिफनेस, यानी एक पर्टिकुलर शेप भी बनता है प्लांट के अंदर। तो ये फोर एडवांटेजेस हैं या फोर रिक्वायरमेंट है वाटर के। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? ये चीजें समझ में आई आपको? ट्रांसपोर्टेशन है ना ट्रांसपोर्टेशन? इधर स्टिफनेस। ओके बेटा एक यस मिनट, सर, ट्रांसपोर्ट। मैं कह रही थी स्टिफनेस। ओके बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इस चीज को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना? तो प्लांट के अंदर आप बताइए मूविंग फ्लूइड कौन सा है। जैसे हमारे अंदर मूविंग फ्लूइड जो है वो ब्लड है, प्लांट के अंदर ऐसा कोई मूविंग फ्लूइड होता होगा? क्या होगा? वाटर वाटर। तो जब वाटर मूव वाटर करेगा तो मिनरल्स मूव करेंगे, तो फूड मूव करेगा, यस और नो? तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है वाटर ना यस प्लांट का, क्योंकि तो आप हेडिंग पढ़ रहे हो नीड ऑफ वाटर, तो नीड ऑफ वाटर में ट्रांसपोर्टेशन मिला ना यहाँ पे। दूसरा, सर, नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्या पूछा? मैकेनिकल स्टिफनेस। जो ये वाटर और मिनरल्स है ये मिलकर सैप बनाते हैं, जिसको आप सेल सैप बोलते हो। सेल सैप फिट होता है जाके कहां पर? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म की वजह से ही तो सेल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बन के आता है। वे अगर अंदर मटेरियल ना भरा होगा तो क्या ये सेल अपने एक फिक्स शेप में रह पाएगा? नो सर। इसी के लिए सेल को मिलती है मैकेनिकल स्टिफनेस। ओके बेटा, ओके, बात समझ में आई? सर ओके, इसके आगे हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट क्या होता है बेटा? थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स होती हैं, लाइक एनॉर्मस सरफेस एरिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूट सेल एंड थिन सेल वॉल। यानी जितना ज्यादा रूट हेयर होगा उतना ज्यादा प्लांट एब्जॉर्प्शन कर सकता है, क्योंकि रूट हेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके बेटा, तो आप जानते हो कि रूट्स के साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं, और जितना ज्यादा रूट हेयर होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके रूट हेयर्स को रिमूव कर दीजिए। तो जब रूट हेयर रिमूव हो जाएंगे तो ऑलरेडी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे उसको वाटर और फूड की स्कैसिटी हो जाएगी, वाटर की या मिनरल्स की स्कैसिटी हो जाएगी, और फिर प्लांट धीरे धीरे ड्राई होकर के डेड हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर रूट हेयर्स करते हैं। ठीक है, दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूट सेल। हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है रूट के अंदर इसलिए वाटर अंदर जाता है, और सेल वॉल थिन होती है इसलिए मूवमेंट इजी हो जाता है। तो अब मेनली हम लोग जो आज पढ़ेंगे बेटा, ये जो आपको मैंने उस दिन प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा किस तरीके से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है या किस तरीके से मूवमेंट होता है, वो आज यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली आपने ये चार्ट शायद नोट करा होगा लास्ट लेक्चर में, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू काइंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव फिर टू काइंड का, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अगेन टू टाइप का, और एंड ऑस्मोसिस एग्जोस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस से टर्जिड हुआ, एग्जोस्मोसिस से फ्लैसिड हुआ। तो ये सारी चीजें हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फटाफट नोट कर सकते हैं इसको। सकर लिया नो ओके, तो
तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा वो टू टाइप का होता है जो आपको इस कैटेगरी में दिखेगा, ठीक है। मेनली होता है क्या बेटा, जब हम किसी चीज को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो हमें इजी होता है, आराम से याद हो जाता है। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने ना एक्टिव और पैसिव, पढ़ा है ना? एक्टिव मतलब डायरेक्टली जो मैंने आपसे कहा डायरेक्टली, पैसिव मतलब घुमा के किसी थर्ड पर्सन ने कहा हो, ये चीज होती है। लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग हम चेंज करते हैं। एक्टिव मतलब इन योर एक्टिव स्टेट, मतलब जगते हुए। पैसिव मतलब विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, जब आप एक्टिव फॉर्म में नहीं हो, इन एक्टिव स्टेट में। होता है क्या है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, पहले इस चीज को हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिर मैं इसको कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। तो बेटा देखिए यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान दीजिएगा बच्चा, पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अर्पिता एक मिनट बेटा सुन लो, फिर नोट डाउन करना या ढूंढना कॉपी पे। देखिए, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब थोड़ी देर के लिए अपनी बुक बंद कर दीजिए और ये चीजों को समझिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, और उसके बाद आराम से शाम को जब पढ़ना तो बुक रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है प्रेजेंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया प्रेजेंस। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी चीज की जहां पर कम अमाउंट हो, से वहां जाएगा जहां पर उसकी ज्यादा अमाउंट हो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है, उसको उसी बेसिस पर समझना। एक बस है बेटा, नॉर्मली बस है जो आपकी इंटरसिटी मूव करती, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करती है बस आपकी नॉर्मली, ठीक है। इस बस में ऑलरेडी 50 पैसेंजर्स के बैठने की स्पेस होती है, ठीक है, नॉर्मली 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन अभी इसमें टोटल बस के अंदर पैसेंजर हैं 50, ठीक है, यानी बस ऑलरेडी ओवरलोडेड है, बात समझे। लेकिन अब आप अगले बस स्टॉप पे आप खुद खड़े हो और आपको भी जाना है इस बस के अंदर, तो आप बताइए क्या ये बस के पैसेंजर आपको अंदर आने देंगे? इमेजिन करूं, आने देंगे नहीं आने देंगे? लेकिन यार जाना तो है ही है, ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, है ना, कैसे आएंगे? फिर आप क्या करते हो, आप पुश करते हो, अपनी पावर लगाते हो, एनर्जी लगाते हो, धक्का देते हो कि अबे बढ़ने दो, मुझे आने दो अंदर। तो क्या लगानी पड़ेगी आपको, एनर्जी। एनर्जी तो ऐसा मूवमेंट क्या, अच्छा एनर्जी सोते सोते लगाते हो या जगते जगते? तो ऑब्वियस ही बात है, एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और आप बाहर कम थे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और बस में आप जैसे बहुत लोग थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल समझ में आया? Yes. मैं बाहर कम हूं लेकिन फिर भी मुझे उस बस के अंदर जाना है, तो जो गेट पे खड़े ना उनको पुश करना पड़ेगा पीछे की तरफ मुझे, और मैंने उनको पुश किया, थोड़ा सा स्पेस बना, मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे करते 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 मैं पूरा एडजस्ट हो जाता हूँ। आप जनरल रेलवे में देखते होंगे जब वेटिंग खूब सारी भरी होती है और फिर भी आपके जो कैंटीन वाले होते हैं ना, चाय लेके समोसे लेके अंदर आते रहते, देखा है ना, पुश करते हुए आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं चाय की केतली किसको छू रही है, वो घुसते चले आते हैं और अपना पूरा सामान बेच के फिर बाहर निकालते दूसरे साइड से, होता है। Yes, sir. तो ये एक एग्जांपल है, या इंप्लीमेंट मत करना, लेकिन ये वही चीज है, ठीक है। कोई चीज जो बाहर कम है या कहीं पर कम है, वहां जा रही है जहां पर वो ऑलरेडी है, ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, एक ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हो आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझे, क्या बोलोगे बेटा इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, देखिए
ये आपकी रूट है और ये रूट हेयर है। इस रूट हेयर को मैं जूम करता हूँ यहाँ पर, ये रूट हेयर सेल होगा इस तरह से, ठीक है। अब रूट हेयर सेल के अंदर, अब आप खुद सोचो, इसके अंदर वाटर ज्यादा होगा कि सॉल्यूट ज्यादा होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट ज्यादा होगा, यानी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट मतलब मिनरल्स, सॉल्यूट मतलब मिनरल्स ऑलरेडी होंगे इसके अंदर। भाई हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी साइटोप्लाज्म है ना, तो इस साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी मिनरल्स होंगे ना। सॉल्यूट मतलब मिनरल्स ऑलरेडी होंगे ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब आप बताइए सॉइल से आने वाला न्यू वाटर और मिनरल्स कैसे राइज हो? क्या ये मिनरल, वाटर तो चलो चला जाएगा क्योंकि वाटर कम है अंदर, वाटर जा सकता है, क्या मिनरल्स को जाने देंगे? नो सर। नहीं जाने देंगे, लेकिन मिनरल्स तो जाने हैं ना नए वाले, कैसे जाएंगे, कैसे यस सर। एक्टिव जाएंगे? नहीं कुछ करके बाय एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ना। कैसे होता है, सुनिए कैसे होता है, एग्जांपल देता हूँ बेटा। एक रूट हेयर सेल है ना, रूट हेयर सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है प्रियांक? हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जी, सीएमएस वाले बच्चे कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से सेक्शन में मैम कहती है माइटोकॉन्ड्रिया? मैंने सुना है किस सेक्शन में मैम कहती है? ऐसी कोई मैम मिली नहीं है अभी बेटा, आपके सीनियर से पूछेगा, ठीक है, मैंने सुना है तो। आपके सीनियर से पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मैम कहती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हम लोग कम पढ़े लिखे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, ये क्या करता है बेटा, एटीपी प्रोड्यूस करता है, आप जानते हो, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। ये जो एटीपी होता है बेटा, ये करता है क्या है, इन सॉल्यूट में जो मिनरल्स है ना, इनको आयनाइज करता है। आप किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल में जब एटीपी यानी एनर्जी डालते हो तो हमेशा वो आयनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर नॉर्मली रखा है और आपने किसी तरह से इस पर एनर्जी डाल दी या इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो वो क्या होता है बेटा, H+ 2H-, ब्रेक हो जाता है ना। इसका एग्जाम्पल आप यस देखते हो कि सर्दियों में जब इमल्शन रॉड डालते हो पानी के अंदर, देखोगे बबल्स निकलने लगते हैं, पानी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि एनर्जी डाली ना आपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी डाली ना आपने, करंट डाला। तो अब ये एनर्जी जा रही है, तो जितने भी सॉल्यूट होते हैं आपके बेटा, जितने भी इसके अंदर के सॉल्यूट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा, यस। आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये आयनाइज हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल में मिनरल्स हैं, ये भी यहां जो रहने वाले डिकम्पोजर्स हैं, ये इनको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, समझे आप? क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट सर ईच अदर, ठीक है। लाइट चार्जेस हो गए तो डिपल हो जाएगा। तो बेटा इसीलिए तो वो अपने आप को चेंज कर देते हैं ना, रिशफल कर देते हैं ना, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे से। तो इस तरह वाटर में डिजोल्व होके ये सारे, बेटा एक मिनट, ये सारे कॉन्टेंट एक साथ यहां से उठकर अंदर की तरफ चले आते हैं। ओके अंडरस्टूड? बताओ शुभ क्या क्वेश्चन कह रहे हो? सर ये फिर से बता दीजिए बिल्कुल बता दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। देखो सर ये आयोनाइजेशन जो होता है ये मिनरल्स का होता है कि वाटर का? बेटा, इसके अंदर जितना भी सॉल्यूट कंटेंट है उन सब का आयनाइजेशन हो जाता है, जितने भी कांस्टेंट यानी स्टेबल कंपाउंड थे उन सब का आयनाइजेशन हो गया। ओके, और बाहर इस किसका हुआ? बाहर आपके जो मिनरल्स थे जो सॉइल में थे, डिकम्पोजर्स भी तो नाइट्रेट और नाइट्राइट वाले आयंस में कन्वर्ट करते थे कि नहीं करते थे? सोचो भाई, यस सर। नाइट्रोजन साइकिल जब आपने पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज होते हैं लाइक राइजोबियम हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स मतलब कन्वर्ट करते थे ना, NO3 NO2- आयन में कन्वर्ट करते थे। तो आयंस बाहर भी हैं, आयंस अंदर भी हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, यस तभी तो राइज होगा। अब शुभ फिर से देखो बेटा, ये आपकी नॉर्मल रूट हेयर सेल है, ठीक है। इसके अंदर वाटर जो है वो कम है, लोवर्ड है, लेकिन मिनरल्स जो है वो ज्यादा है। भाई कॉन्सेंट्रेशन रूट की ज्यादा होती है ना, ऑलरेडी आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। अब नए वाटर तो इजी चला जाएगा, वाटर तो कहीं भी है, सॉल्वेंट कंटेंट ये तो जा सकता है अंदर की तरफ, लेकिन मिनरल्स कैसे जाए नया? तो मिनरल्स जाने के लिए क्या लगता है बेटा, एनर्जी लगती है। कैसे लगती है? इस सेल के अंदर है एटीपी, एटीपी इन मिनरल्स को, यानी मिनरल्स मतलब जो कंपाउंड पड़े होंगे स्टेबल वाले, उनको क्या करता है बच्चा,
किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट करता है, और बाहर जो मिनरल्स है वो ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में है, क्योंकि उनको डिकम्पोजर्स और जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने कन्वर्ट करके रखा है। अब आयंस होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से मिनरल्स बाहर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आया, बात समझ में आई? यस। तो अब ये बताओ, क्या ये चीज सोते सोते या इनएक्टिव स्टेट में हो सकती थी? नो सर। तो इसके लिए एनर्जी लगेगी ना? यस। और मिनरल्स कहां से गए, सॉइल में मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो की हाई? लो होगी एज कंपेयर टू रूट हेयर सेल, यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली पूरा समझ में आया? यस। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब इसी में एक पार्ट और हम देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखते हैं यहीं पर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा आप लोग ने? इसे बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे ओके, तब इसी को रिवर्स में लिखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, हाँ जी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन विदाउट एनर्जी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप क्या करो, उस जिस बस में बैठे थे जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड थी, 40 की बस में 70 पैसेंजर्स तैयार थे, ठीक है, सब बैठे हुए हैं, और उसमें से पीछे से कोई चिल्ला दे भैया मेरा बस स्टॉप आ गया मुझे जाना है, तो लोग क्या करेंगे, कंधे पे उठाएंगे, इमरजेंसी वाला डोर खोलेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं आपको, होता है ना, है कि नहीं? क्यों कि कम से कम 70 में से एक लोग बाहर गए, 69 बचे, होगा ना, तो क्या उसमें आपकी एनर्जी लगेगी? तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं आप, पैसे ट्रांसपोर्ट। बात समझ आया? यानी कोई ऐसी चीज जहां से वो ज्यादा है इजिली फ्लो करके वहां चली गई, जहां पर वो कम है, जो नेचुरली होता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर? ठीक है, और इसको याद कराने का मेरे पास एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, बताऊं कि दोनों डेफिनेशन एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एक पार्क में, जब हम पार्क में जाते हैं बेटा तो वहां पे होती है स्लाइड, होती है ना ऐसे करके स्लाइड होती है, ठीक है, यहां पर एक बॉक्स रखिए और यहां पर एक बॉक्स रखिए, इस बॉक्स को इधर पुश करिए, इस बॉक्स को इधर पुश करिए, बताओ एनर्जी किधर किस किस में लगेगी, ठीक, ये लो प्लेस है, ये हाई प्लेस है, ठीक है, हाई टू लो में जाने में एनर्जी लगेगी या लो टू हाई में जाने में एनर्जी लगेगी, लो टू हाई, लो टू हाई जाने में एनर्जी लगेगी ना, है ना, और खुद बताओ क्या सोते सोते इस बॉक्स को ऊपर पुश कर सकते हो, कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ सर, याद हो जाएगा, और आप सच में सोते हो जाओ, केवल स्लाइड के ऊपर बैठ जाओ, अपने आप से नीचे आ जाओगे, कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, एनर्जी लगी, एनर्जी लगी आपकी, नो सर, लगी, याद हो जाएगा, याद हुआ, एक्टिव और पैसे बताओ, यस सर, पक्का, यस
हाँ दो एग्जांपल याद कर लो, एक बस वाला और एक स्लाइड वाला, ठीक है? बस ओवरक्राउडेड होगी, बाहर से अंदर जाओगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अंदर से बाहर आओगे बिना एनर्जी के कौन सा ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ठीक है? अब इसी चीज को कंपैरेटिवली हम यहां देख लेते हैं स्लाइड पर। देखिए क्या लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तो सर लो ग्रेडियंट, टू हाई लिखे या ये लिखे? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है ना, अपने अंदर ऑलरेडी हाई है, अगेंस्ट कर रहा है ना, और ये टूवर्ड्स है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब विद कॉन्सेंट्रेशन और विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, लो टू हाई में मूवमेंट है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई टू लो। ठीक है? नहीं समझ में आया बेटा? नहीं आया? समझ गए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन का अगेंस्ट क्या मूवमेंट होगा बेटा? यही तो होगा, यस है ना? और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई हाई टू। ब्लू क्लियर? पॉइंट हाई नंबर वन ब्लू क्लियर? यस पॉइंट यस नंबर सर टू, पॉइंट नंबर टू, अग्रीड? इन्वॉल्व पॉइंट नंबर टू भाई, लो लो टू हाई जाना है तो एनर्जी लगेगी, और हाई टू लो जाना एनर्जी लगेगी। करो। लो टू हाई में एनर्जी लगती है, हाई टू लो में लगती है? नहीं नो लगती। अच्छा, जिसमें एनर्जी लगती है, पावर लगती है, ऑब्वियस सी बात है रैपिड मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, बिना एनर्जी के धीरे धीरे भी काम होता है ना? जिसमें एनर्जी लगेगी वो सर फास्टर मूवमेंट होगा, ठीक यस है? मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट पैसिवली। एग्जाम्पल दिया है बेटा, ये एग्जाम्पल में पॉइंट ही नोट कर सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक मिनरल्स हैं, ये इन सब चीजों का जो मूवमेंट है किसके थ्रू होता है बेटा? एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और वाटर मॉलिक्यूल का किससे होता है बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो पैसिव अब आप मुझे बताइए, क्या इस चार्ट में ये लाइन क्लियर हो गई आपको? यस सर क्लियर यस सर एवरीवन, होगी सर एवरीवन, डेफिनेशन याद? हाँ बेटा, एक बार एक्टिव वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर देखिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट या विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी, और इसका रिवर्स हाई टू लो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर यस एवरीवन? क्लियर? सर पक्का? सर पैसे ट्रांसपोर्ट में आयोनाइजेशन होता है यस बेटा नहीं, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है? वहां नहीं होता, वहां इजिली सर सॉल्वेंट, जहां एनर्जी लगेगी वहीं वो होगा एक्टिव होगा। जहां एनर्जी लगेगी वो एक्टिव होगा, जहां एनर्जी नहीं लगेगी वो पैसिव होगा, ठीक है? बात समझे बेटा? सर। हाँ बच्चा, आपने एक बार लिखवाया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बिकॉज़ द मटेरियल दैट पॉइंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वही तो लिखवा है बेटा, पॉइंट सर पॉइंट हाँ, सर वही मतलब इसमें वही कह रहा है ना कि लोग पॉइंट नंबर वन एंड टू जो है वही चीज बता रहा बच्चा। जो ओके सर पॉइंट नंबर वन एंड टू बता रहा है आपको, जो डिफरेंशिएट बिटवीन मैंने आपको लिख के दिया है, ये वही चीज तो बता रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन विद इनवर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? ओके यस बेटा, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ बेटा, नेक्स्ट पार्ट। यस ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के टाइप पर। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, डिफ्यूजन एंड यस ऑस्मोसिस, ठीक है? बहुत आराम से समझने के लिए डेफिनेशन मैं सिखाऊंगा, और बायो के बेसिस पे सिखाऊंगा, केमिस्ट्री के बेसिस पे सिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि दोनों डेफिनेशन एक है लेकिन टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप उस डेफिनेशन को केमिस्ट्री वाइज भी बोल सकते हो और बायो वाइज भी बोल सकते हो, ठीक है?
वही वाला एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको इस वाले ऐसे करना है तो केमिस्ट्री वाले ऐसे करते हैं, बस बस इतना चेंज होता है, करेंगे वही चीज, ठीक है? देखना कैसे। सबसे पहले डिफ्यूजन बताता हूं आपको, तो जरा मुझे कोई बता सकता है डेफिनेशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या लिखी थी हम लोग ने? मुझे याद नहीं, भूल गया मैं। धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे बेटा, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसेंट्रेशन फ्रॉम, एट लोअर नहीं कंसेंट्रेशन सर, ध्यान दीजिए सर, लोअर कंसेंट्रेशन, इतना थोड़ा भूलते हैं सर, थोड़ी डेफिनेशन हम भी देखो, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम भी भूलते हैं, लेकिन इतना नहीं भूलते हैं कि हम लोअर टू हायर लिख देंगे सर, ठीक? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट विदाउट एनर्जी एनर्जी एंड मस्ट बी इन डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा? मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं, पैसिव का ही टाइप है तो डेफिनेशन एग्जैक्टली मैच करेगी, क्योंकि अब डेफिनेशन लिखना है, मार्क्स हमें लेने, तो कुछ नया वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नया वर्ड बढ़ा दिया। अब कैसे, चलो मैंने दो बच्चे बुलाए, मैंने कहा प्रियांत और शुभ, आज टीचर्स डे है और मुझे क्या करना है, आज मुझे वाटर और शुगर सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन चाहिए, वाटर और शुगर का मतलब शरबत पीना है, तो भाई अपने घर से जाइए और एक एक गिलास शरबत लेके आइए मेरे लिए, ठीक है? मैं ऐसे बैठा था क्लास में, तो प्रियांक अपने घर पहुंचे, एक गिलास लिया और वही सेम साइज का गिलास शुभ के पास भी था, ठीक है? सेम साइज का, ड्राइंग की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया शुभ वाला गिलास, लेकिन सेम साइज है, ठीक है? दोनों ने सेम क्वांटिटी वाटर भरी इसमें, ठीक है? तो प्रियांक ने क्या किया, इसमें 1 स्पून शुगर डाली, ठीक है प्रियांक? और शुभ थोड़ा यस ज्यादा हमको मानते थे, तो शुभ ने कहा सर बहुत स्वीट हैं, ऐसा करते थोड़ा स्वीटनेस बढ़ा देते हैं उनकी, ठीक है? सर की स्वीटनेस बढ़ा दी, ये नहीं जानते इतनी तो स्वीटनेस, चाशनी बन गई ये नहीं जानते ना इतना स्वीटनेस से फिर डायबिटिक हो जाते हैं सर, ठीक है? लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया। अब मैंने क्या किया, अब चल के लेके आ रहे थे, रास्ते में जागृति मिल गई, कहा लो जरा टेस्ट करते हैं, तो उसने एक स्पून निकाल के टेस्ट किया प्रियांक का और एक शुभ का। प्रियांक से कहे प्रियांक आपका वाटर ज्यादा है, शुगर बहुत कम है, मीठा उतना नहीं हुआ है, ठीक है? और इसका जब टेस्ट किया शुभ वाले का, तो उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो अब क्या किया जाए? अब दोनों को ग्लास भी एक एक दिया गया, तो जागृति ने क्या किया, एक बड़ा कंटेनर लिया, ठीक है? और इसमें से इनका सॉल्यूशन और इनका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन इसमें पोर कर दिया, ठीक है? और पोर करने के बाद वापस प्रियांक के लिए ग्लास वापस कर दिया, प्रियांक से जो ग्लास लिया था, और एक ग्लास शुभ से जो वाटर वापस लिया था वापस कर दिया, मतलब सेम क्वांटिटी वापस कर दी, ठीक है? अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन, मुझे आदिति बताएगी कि अब बताइए किसके ग्लास की स्वीटनेस ज्यादा होगी, क्यों? सर, दोनों की सेम होगी सर, क्योंकि दोनों का एक ही कंटेनर से निकाला गया, थर्ड वाले कंटेनर। लेकिन बेटा इनमें तो 1 ग्लास 1 स्पून शुगर थी, इसमें 10 थी, सर दोनों को मिक्स कर दिया गया था, दोनों को मिक्स कर सर दिया मिक्स कर गया दिया या गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सर, बैलेंस करने के लिए दिया। हाँ बच्चा, डिफ्यूजन का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनके अंदर वाटर ज्यादा था, इस वाले ग्लास में वाटर ज्यादा था, और क्या कम था, शुगर। चीनी, इनके में यस अगर सर, देखा जाए तो वाटर कम था, शुगर ज्यादा थी, तो इनका शुगर उठ के चला गया इनके ग्लास में बैलेंस करने के लिए, और इनका वाटर चला गया इनके ग्लास में बैलेंस करने के लिए, तभी तो दोनों का इक्वल मूवमेंट हुआ। अब डेफिनेशन से ध्यान दीजिए, ये यस सर, शुभ का ग्लास है, ये प्रियांक का ग्लास है, ठीक है?
शुगर की हाई कॉन्सेंट्रेशन किसमें थी? शुगर के ग्लास में। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन शुगर मूवमेंट हुआ, यस और नो? और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसमें थी? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन गया, ठीक है। और इस ग्लास में जब हम जागृति ने दोनों ग्लास का सोल्यूशन डाला था, क्या बीच में कोई सेपरेशन मेम्ब्रेन लगाई थी कि प्रियांक का सोल्यूशन इधर होना चाहिए, सुख का सोल्यूशन इधर होना चाहिए? मतलब वो कैसे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे? और एक चीज हमें और समझ में आई, मूवमेंट जो है किसी का भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। देखिए यहाँ सॉलिड यानी शुगर का भी मूवमेंट हुआ, लिक्विड वाटर का भी मूवमेंट हुआ, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। और ये सर, कब तक रहेगा? जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाते भाई, तभी तक तो डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा जैसे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो डिफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और डिफ्यूजन एक ही चीज है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, आपने देखा होगा एक टैबलेट डिस्प्रिन का, डिस्प्रिन देखा होगा, ग्लास में वाटर भरी और डिस्प्रिन डाल दीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। डिस्प्रिन क्या करती है बेटा, इसमें डिसॉल्व होना शुरू करती है, ऊपर की तरफ भागती है, भागती है ना। आप देखो डिस्प्रिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ थी, नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ? नीचे यहाँ हाई थी। नीचे और भागना कहाँ शुरू किया उसने, ऊपर की तरफ, यानी लो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। तो मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है, यस और कब तक होगा? जब तक डिस्प्रिन का इफेक्ट पूरे ग्लास में इक्वल ना हो जाए, बैलेंस। ठीक है। इसका एग्जांपल और ले सकते हो आप, कि आपने ग्लास लिया, उसमें एक स्पून शुगर डाली, और बिना इसको हिलाए आपने ऊपर से टेस्ट किया, ऊपर वाला जो स्पून होता है क्या ये स्वीटनेस दिखाता है? नो और नीचे से सर, जहां शुगर भरी, यहां से अगर स्पून निकालो, अब ये स्वीटनेस दिखाएगा? यस और सर, हिलाने के बाद ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो डिफ्यूजन समझ में आया ना, लिक्विड का, यस लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, जैसे मिल्क का होता है, वाटर और मिल्क एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना। अरे यस दूध, दूध वाले भैया पानी में मिलाते हैं दूध की, दूध में पानी मिलाते हैं, सर, तो डिफ्यूजन होता है ना। कितना लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन है ना। अब मिला आपने दूध में कॉम्प्लान डाला, तो सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन है ना। है? दूध हाँ सर, हाँ शो बताइए। में कुछ लिक्विड का लिक्विड में भी तो नहीं होता है डिफरेंस? अरे सर वो उसके लिए डिफ्यूजन नहीं होता, फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, वो केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, वो कोलाइड बनता है बेटा, वो अलग चीज है। जैसे आप वो आप पढ़ते हो ना, जैसे आपका वो बटर होता है, ठीक है, वो यस मिक्स नहीं होता, वो अलग चीज आती है, ठीक है। सर, वो कोलाइड्स वाले स्टेट में आएगा बेटा, कोलाइड्स पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में वो, ठीक है। तो इसी तरह से गैस का, गैस तो भी हो सकता है। आप एक रूम के अंदर किसी कॉर्नर में एक रूम स्प्रे या एक परफ्यूम स्प्रे कर दो कॉर्नर पे, वो कितनी जल्दी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, और इक्वल रूम जो है पूरा स्मेल करने लगता है। तो गैस का गैस में डिफ्यूजन हो गया, समझ में आया। मूवमेंट यस हमेशा कहां से होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रूम पे। अगर मैं अपने रूम पे यहां पर अगर स्प्रे कर रहा हूं, तो ये वहां तक फैल जाएगी जिस जहां पर इस रूम का स्प्रेड होगा, यानी जहां तक इसकी लिमिट होगी, होगा, तो दैट इज यस डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन किसका किसका हो सकता है बेटा, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों का हो सकता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का, यस और नो? इजी है नो बेटा, देखो बहुत आराम से समझ सकते हो इसको, एग्जांपल दे दे करके। आपके सामने लाइव एग्जांपल्स रखे, अगर उसी से समझेंगे आप, सब समझ में आएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया, बस वाले एग्जांपल से डिफ्यूजन समझ आया ना, शरबत पी करके, डाउट। है ना। अब ऑस्मोसिस सीखते हैं बेटा, अब ऑस्मोसिस सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस की मैं आपको थ्री डेफिनेशन सिखाऊंगा, एक जनरल डेफिनेशन, एक बायोलॉजी वाले टीचर की डेफिनेशन, और एक केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री टीचर की डेफिनेशन, ठीक है। अब दोनों में तीनों इजी है, जो आप याद कर लो तीनों सही होंगे। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, सबसे छोटी डेफिनेशन, डिफ्यूजन
ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जरा पहले मुझे पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन फिर से बोल दो, तो मैं बायो वाले टीचर की डेफिनेशन बताऊं। दी मूवमेंट प्रोसेस ऑफ, बेटा बेटा मुझे लिखना है, मूवमेंट ऑफ, ये तो सर आप ही तो बुलवा रहे हाँ मॉलिक्यूल, हाँ आगे बेटा, हैं फ्रॉम तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी एनर्जी एम्बॉलिक थ्रू, हाँ जी, क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्पेस मैंने जानबूझ के छोड़ा है, और यहाँ पे आप भर सकते हो ओनली लिक्विड, वाटर और लिक्विड, वाटर सर लिक्विड या भी सॉल्वेंट, एनी सॉल्वेंट और वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमेशा लिक्विड का ही होगा, आपकी बुक में इसको वाटर दिया गया है। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो वाटर और सॉल्वेंट, क्योंकि तो आपको पता होगा बेटा छलनी केवल लिक्विड कंटेंट को ही जाने देती है, सॉलिड को रोक लेती है। SPM क्या है? छलनी तो है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? छलनी। छलनी से जब चाय छानते हो तो बताओ, अनलेस अंटिल टूटी ना हो छलनी, तो लिक्विड जाता है या सॉलिड भी जाता है उसके साथ? लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट केवल सॉल्वेंट जाएगा, लिक्विड कंटेंट जाएगा, चाहे वो वाटर या कोई भी चीज हो। तो हमेशा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। अब इसी को सब इसी को एग्जांपल समझते हैं, जैसे याद करते हैं वही, ये प्रियांक वाला ग्लास था और ये शुभ वाला ग्लास था। ठीक है, यहाँ वाटर था इतना, यहाँ भी था वाटर, मान लीजिए वाटर इतना भर देते हैं इसमें, ठीक है, शुगर इतनी भर देते हैं इसमें, ये शुगर है, इसमें शुगर इतनी थी, दिख रही है आपको, ये जो बनाया है ये चीज, ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, और जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी वो क्या है, वाटर है, और ये सेपरेशन मेम्ब्रेन लगा दी मैंने बीच में। सेपरेशन मेम्ब्रेन कौन सी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्रियांक वाला सॉल्यूशन यानी पोर किया, तो ये वाटर यहां तक आ गया, शुगर यहां तक आ गई है ना, शुभ वाला सॉल्यूशन पोर किया मैंने, तो यहां तक वाटर आ गया, यहां तक शुगर आ गई, है ना, बात समझे। अब देखिए यहां पर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ए साइड एंड बी साइड, यहां पर वाटर, यहां पर वाटर, यहां पे कोई सॉल्यूट, शुगर ना मान के सॉल्यूट मान लेते, कोई भी सॉल्यूट हो, और यहां पर भी कोई भी सॉल्यूट। अब बताइए वाटर ए साइड पे ज्यादा है या बी साइड पे ज्यादा है? ए ए साइड पे पे ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब अप साइड, और बी साइड पे कम है। कम सॉल्यूट ए साइड पे और बी साइड पे ज्यादा है कम है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से मूवमेंट किधर होएगा? ये होएगा, पे होगा, वाटर इधर से इधर जाना चाहिए और सॉल्यूट इधर से इधर जाना चाहिए, लेकिन बीच में लगी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इस मूवमेंट को वो स्टॉप कर देगी, नहीं कर अलाउ करेगी। ठीक है, तो केवल वाटर उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और कब तक आता रहेगा? जब तक यहाँ पे इसका शुगर लेवल और इसका शुगर लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, सर शुगर लेवल मतलब स्वीटनेस स्वीटनेस, दोनों की स्वीटनेस इक्वल ना हो जाए, मतलब यहाँ वाटर ज्यादा आ जाएगा, यहाँ वाटर कम रह जाएगा। ठीक है, स्वीटनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बात समझे। तो सर वाटर लेवल बी में बढ़ जाएगा फिर हाँ ऑब्वियसली बात है कि शुगर भी तो ज्यादा है ना, उसको इक्वल करने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए ना, यस आप यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ाते जाओ, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद जब ये चीज इक्वल हो जाएगी तो फिर रुक जाएगा ये आकर के। ठीक है, समझे, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा।
अनन्या यस यस बेटा, सर, ये आ क्यों गए। स्टॉप हुआ, यस ये सर, क्यों नहीं हुआ बेटा, ये क्यों नहीं आगे जा रहा बेटा? पहले हाँ, और हैदर मुझे बताओ, सेमी पर्मनल मेम्ब्रेन क्यों नहीं जाने देती है बेटा? सेमी पर्मनल मेम्ब्रेन किसको जाने देती, किसको नहीं जाने देती है? छलनी किस चीज को क्रॉस सर करने देती है, सॉलिड को कि लिक्विड को? सर लिक्विड को, तो लिक्विड क्या है, वाटर की सॉल्यूट? सर वाटर, तो वाटर जाएगा और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वहां पर स्टॉप हो तो सर जाएगा। वहीं पे रुक जाएगा। बात समझ में आ गई, यस सर, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, देख लीजिए बेटा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों देख लीजिए। सर हाँ बेटा, इसमें हम लोगों ने सेमी सेम चीज, परमीएबल सेलेक्टिवली मतलब क्या होता है बेटा, कि सेलेक्टेड पार्टिकल्स का मूव करने देने वाली। तो सेलेक्टेड पार्टिकल्स, तो उसने किसको सिलेक्ट किया है, सॉल्वेंट को, वाटर, ठीक है? समझ में आया, इसलिए। यस ओके, बात समझ में बेटा, यस ठीक है। अब यहां पर आपकी यस बुक में एक चीज दी गई है, कंडीशन, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को फुलफिल करने के लिए बेटा दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज? नंबर वन आता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तभी ऑस्मोसिस होगा, अदरवाइज वो डिफ्यूजन बोला जाएगा, ठीक है? बात समझे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है? और दूसरा चीज दिया गया बेटा कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए दोनों साइड पर, तभी मूवमेंट होगी, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगी। अगर दोनों साइड पे सर कॉन्सेंट्रेशन इंजीनियर में भी तो होता है सर, बेटा, लेकिन ये तो नहीं होता, ये आपकी बुक में गिवन है कंडीशन, कंसंट्रेशन डिफरेंस तो दोनों में हुआ ना, होता लेकिन है बेटा, तो लेकिन इसको इसी इस में क्यों स्पेसिफिक? बेटा इसको इसलिए दिखाया गया है कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस। आपके बुक में केवल हेडिंग दी गई कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस के बेसिस पे। आपको थ्री टाइप की मेम्ब्रेन भी दी गई होगी यहाँ पर, थ्री टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है? जिसमें एग्जाम्पल दिया गया आपका, एक आपका दिया होगा क्या कहते हैं, सेलोफेन पेपर का। एक्टिविटी देखिए, सेलोफेन पेपर, एक आपका दिया है रबर शीट, और एक सर आपका रबर दिया शीट तो गलत मसलिन क्लॉथ। तीन चीजें दी गई हैं, ये थ्री टाइप की मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेलोफेन पेपर, रबर शीट एंड मसलिन क्लॉथ। सेलोफेन पेपर बनेगा एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इट अलाउ सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्यूट। रबर शीट बनेगी इम्परमिएबल शीट, यानी कोई चीज को अलाउ नहीं करेगी, ना सॉल्वेंट ना सॉल्यूट। और मसलिन क्लॉथ बन जाएगा क्योंकि उसके पोर जो होते हैं बड़े होते है। हैं, ये बन जाएगा फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल बेटा। पार्चमेंट पार्चमेंट पेपर पेपर, ये मसलिन क्लॉथ, मखमल का जो कपड़ा होता है इसे बोला जाता है मसलिन क्लॉथ, ये मसलिन शीट तो कहते हैं सर उसे। यानी डिफ्यूजन डिफ्यूजन सिर्फ मसलिन क्लॉथ में ही है। हाँ बच्चा, बात समझे, ठीक है? एक और बोला हाँ शो, डिफ्यूजन, सर अभी किसी ने बोला डिफ्यूजन जो होगा मसलिन शीट पे होगा, सर ये समझ नहीं आया। अरे सर इसके पोर बड़े होते हैं, किसी छलनी के पोर बड़े कर दो तो ये बताओ क्या सारी चीजों को प्रॉपरली फिल्टर करेगी? वो तो अलाउ करेगी ना जाने के लिए सबको। यस नॉर्मली जिस छलनी में चाय छानते हैं, अगर उस छलनी में छेद हो जाए तो आप देखते होंगे कि चाय की पत्ती भी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं, आते हैं, यस क्यों आ जाते हैं, यस, क्यों आ गए? क्योंकि हाँ, तो बस वही चीज तो कह रहा है, मसलिन क्लॉथ के जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को अलाउ कर देते जाने के लिए, इसीलिए तो बोला गया फ्रीली पर, इसलिए तो बोला गया वो फ्रीली परमेबल है वो, ठीक है? तो ऑस्मोसिस तब तक लास्ट करेगा, कब तक? जब तक बीच में सेमी पर मेम्ब्रेन होनी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम हो गया तो ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा ठीक है? बात समझे, और सेमी पर मेम्ब्रेन लगा दी, हटा दी गई तो क्या होगा, ऑस्मोसिस वो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? ऑस्मोसिस को कंटिन्यू रखने के लिए दोनों कंडीशन होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, यस और नो? बात समझ में आई? यस।
ठीक है। अब जल्दी से एक बार देखते हैं, फिर से हम लोग जल्दी से एक बार देखते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने कीवर्ड क्या याद किया, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन और विद एनर्जी वाला, है ना। और पैसिव में क्या याद किया हमने, हाई टू लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट विदाउट एनर्जी, विदाउट। एनर्जी। ठीक है, ये याद कर लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डिफ्यूजन में भी यही चीज होगा, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी यही होगा, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए, सेमी परमेबल, सेमी सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन। और एक और अच्छी चीज याद करो नीचे वाली। इनवर्ड ऑस्मोसिस अरे विदाउट सर, अब देखिए, अभी आपको याद कराता हूँ बहुत आराम से। ऑस्मोसिस के टू टाइप्स होते हैं, ऑस्मोसिस। अरे सर, हैव पेशेंस, ठीक है। टू काइंड्स होते हैं, कैसे, तो आप सबके स्कूल में ऑडिटोरियम होगा, स्पेशली सेक्टर वो जो गोमती नगर ब्रांच में आपका सीएमएस का देखा है, बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम बना है ना। सीएमएस का ऑडिटोरियम कहाँ बना है, बस। गोमती नगर ब्रांच में ऑडिटोरियम। जितने भी सेमिनार, जितने भी बड़ी बड़ी स्पीचेस होती हैं, सारे कहाँ आती है, ऑडिटोरियम में होती हैं, है ना। हम जैसे नॉर्मल लोग पिक्चर हॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पिक्चर हॉल में जाते होंगे तो वहां पर एक डोर होता है ऐसे करके ना, उस डोर में इस साइड पर लिखा होता है एंट्री, और उधर से लिखा होता एग्जिट, है ना। एंट्री का एन यस सर, निकालो और बनाओ एंड ऑस्मोसिस, मस्त। एग्जिट का एक्स निकालो और बनाओ एग्जॉस्मोसिस। याद हो गया, याद हो गया, पक्का, ठीक। अब सपोज करो दिस इज अ सेल, जब एंट्री ऑफ सॉल्वेंट होगी सेल में, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट होगी सेल में तो क्या बोला जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एंडोस्मोसिस, एंडो नहीं होगा, एंडो की स्पेलिंग ये होगी, समझ में आया, एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस, यस स्पेलिंग ध्यान सर, दीजिएगा, एंडो ऑस्मोसिस नहीं है, एंडो ऑस्मोसिस ये होता है, ठीक है। और जब सेल से एग्जिट क्या ऑफ, डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं बेटा, स्पेलिंग का डिफरेंस है, और आप जैसा प्रोनाउंस करते हो वैसा ही लिखते हो तो गलत हो जाएगा स्कूल में, जब आप डेफिनेशन लिखोगे आपकी बुक में ये दिया गया है, तो प्रोनाउंस क्या करेंगे इसको हम, एंड ऑस्मोसिस एग्ज ऑस्मोसिस, है ना। नॉर्मली यस सर, जो हम बोलते हैं लिखने की आदत वही पड़ जाती है, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, फिर एंडो ऑस्मोसिस से लिख के आते हैं स्कूल में, ठीक है। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस लिख के आते हैं, लेकिन है क्या, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस, यहां क्या होगा, एग्जॉस्मोसिस। एग्जिट ऑफ सॉल्वेंट। तो होपफुली ये याद हुआ होगा, याद हुआ, जब सेल में सॉल्वेंट की एंट्री हुई। अब ये बाकी चीज आप रिलेट कर सकते हो, ऑस्मोसिस हो रहा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होगा, जब सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री हुई तो क्या बोला गया, एंड ऑस्मोसिस। जब सेल से सॉल्वेंट की एग्जिट हुई थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो क्या हुआ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, पक्का, 100%। अब सेल के अंदर आप एयर या वाटर भर दो, ठीक है, एयर या वाटर भर दो, बलून के अंदर एयर या वाटर भर दो तो बलून कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। और स्वेल की कंडीशन को बोलते हैं आप टर्जिट, ठीक है, ठीक है। कोई आपको बहुत सारा पीटे तो आप गुस्से से भर जाते हो और फिर मुंह फूल जाता है ऐसे कद्दू जैसा, होता है कि नहीं होता है, वापस पीट नहीं पाओगे तो मुंह फूल जाएगा ना, तो दैट कंडीशन इज नोन एज टर्जिट। और अगर मौका पड़ा आपने किसी और को मार दिया जाके उसके बदले में, मतलब पापा मम्मी से डांट खाए हो लेकिन बाहर खेलने गए और दोस्त की पिटाई कर दी जा करके, तो गुस्सा बाहर निकल गया ना, गुस्सा बाहर निकल गया, तब कैसे आपका मुंह जो फूला हुआ था वो कैसा हो गया,
सिंक हो गया। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? दैट्स इट याद हो जाएगा? अरे बोलो भाई, इतना यस अच्छा अच्छा यस एग्जांपल दिया तुम लोग का, लाइव एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग के, तब भी नहीं समझ में आ रहा आप लोग को। सर अब बताओ किसको किसको याद नहीं हुआ ये चीज? हो गई पक्का? एक बार इस चार्ट को देखो, देखो याद हो रहा है? इस चार्ट को देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद हुआ, बस वाला एग्जांपल, पैसिव ट्रांसपोर्ट याद हो गया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस याद हुआ, वो जो शरबत और चाशनी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑडिटोरियम वाले एग्जाम्पल से एंड ऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस याद करा, ठीक है, अगर हम एंट्री करेंगे तो एंड ऑस्मोसिस, एग्जिट करेंगे तो एक्सोस्मोसिस। और जब कोई चीज एंटर करती है तो सेल साइज में ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा हम? टर्जिड। और जब सेल से बाहर चीजें इवेक्ट होती निकलती हैं तो क्या कंडीशन होती है बेटा? फ्लैशेस। यस तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो सर आज आपका वर्क है बेटा ये, तो इतना समझ में आया? पहले चीज बताइए सबको, ठीक है? यस तो सर आज के लिए इतना ही पहले, ठीक है?